बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नॉलेज एकेडमी चैनल में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स को डिफाइन करेंगे और ख़ास तौर पर एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट थ्योरीज, जो एसिड बेस इंडिकेटर की डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो एसिड बेस इंडिकेटर के कलर चेंज को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, इन ब्रॉड वे एंड इन लिमिटेड वे। ब्रॉड वे में इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट या डिटर्मिनेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, विजुअल डिटेक्शन। अब विजुअल डिटेक्शन अगर कलर की होगी, कलर को हम डिटेक्ट करेंगे तो उसे कलोरीमेट्री कहा जाएगा। अगर फ्लोरिसेंस की होगी विजुअल डिटेक्शन तो उसको फ्लोरीमेट्री, और अगर टर्बिडिटी की होगी तो उसको टर्बिडिटीमेट्री कहेंगे। और लिमिटेड वे में इंडिकेटर को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की कंप्लीशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर तीन टाइप्स के होते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, रेडॉक्स इंडिकेटर एंड एड्सॉर्प्शन और प्रिसिपिटेशन इंडिकेटर। इस वीडियो में हम एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एसिडिक मीडियम में एक कलर होता है, जबकि बेसिक मीडियम में ऑल टुगेदर डिफरेंट कलर होगा। और ये एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं, और इनका कलर चेंज किसी एक फिक्स पीएच पे नहीं होता, बल्कि स्मॉल पीएच रेंज पे होता है, और उस पीएच रेंज को कलर चेंज इंटरवल ऑफ इंडिकेटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, कलर चेंज पीएच रेंज ऑफ फिनोल्फिथलीन जो है वो 8 से 9.8 है, तो जो फिनोल्फिथलीन का कलर चेंज होगा वो इस पीएच के दरमियान होगा। अगर सॉल्यूशन की पीएच 8 से कम है तो फिनोल्फिथलीन कलरलेस होगा, और अगर पीएच 9.8 से ज़्यादा है तो फिनोल्फिथलीन पिंक होगा। मींस एसिडिक मीडियम में फिनोल्फिथलीन कलरलेस होगा, जबकि बेसिक मीडियम में या अल्कलीन मीडियम में फिनोल्फिथलीन पिंक कलर का होगा। ये कलर चेंज इंटरवल ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स बताए गए हैं। थायमोल ब्लू का जो पीएच रेंज है कलर चेंज का वो 1.2 से 2.8 है। इसका एसिडिक मीडियम में इसका कलर रेड होता है, बेसिक मीडियम में इसका कलर येलो होता है। फिनोल्फिथलीन का कलर पीएच रेंज 8 से 10 है या 9.8, जैसे कि यहाँ पिछली स्लाइड में बताया गया 9.8 ऑलमोस्ट 10, 8 से 10 तक एसिडिक मीडियम में इसका कलर कलरलेस है, जबकि बेसिक मीडियम में यह रेड कलर का है। इस तरह से जो बाकी सारे इंडिकेटर हैं इनका पीएच रेंज बताया गया है, और एसिडिक मीडियम में इनके कलर और बेसिक मीडियम में इनके कलर बताए गए हैं। थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए टू थ्योरीज दी गई थी। फर्स्ट जो थ्योरी थी ऑस्टवाल्ड थ्योरी को ऑस्टवाल्ड ने दिया था। इसके मुताबिक एसिड बेस इंडिकेटर वीक एसिड्स या वीक बेसिस हैं जिनका आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने जा रहे हैं, फिनोल्फिथलीन का कलर चेंज कैसे होता है। फिनोल्फिथलीन एक वीक एसिड है और ये कलरलेस है। जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होकर H+ कलरलेस प्रोड्यूस करता है, और ये आयोनाइज्ड फॉर्म फिनोल्फिथलीन की वाटर में प्रोड्यूस होती है जिसका कलर पिंक है। अब एसिडिक मीडियम में H+ आयन ज़्यादा होंगे, H+ आयन के बढ़ने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिसकी वजह से अनआयोनाइज्ड फॉर्म डोमिनेट कर जाएगी, और जो कलर होगा वो भी अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में फिनोल्फिथलीन कलरलेस है, जबकि बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हाइड्रोक्साइड आयन H+ आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा,
तो फिनोल्फिथिलीन आयोनाइज्ड फॉर्म डोमिनेट कर जाएगी और कलर इस आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा और वो पिंक है। तो बेसिक मीडियम में फिनोल्फिथिलीन का कलर पिंक होगा। मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज, इसको ओस्टवाल थ्योरी के जरिए कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? मिथाइल ऑरेंज एक वीक बेस है जो कि डिसोसिएट होकर आयोनाइज्ड फॉर्म जो कि रेड है ये प्रोड्यूस करती है और हाइड्रोक्साइड आयन। अल्कलीन मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जिसकी वजह से अनआयोनाइज्ड फॉर्म डोमिनेट करेगी और कलर भी इस अनआयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा। तो अल्कलीन मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो होगा, जबकि एसिडिक मीडियम में H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो H+ आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। ये रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो मिथाइल ऑरेंज की आयोनाइज्ड फॉर्म डोमिनेट करेगी और कलर भी इस आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से होगा जो कि रेड है। तो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा। फोनोइड थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है जो कि एसिड बेस इंडिकेटर की वर्किंग को एक्सप्लेन करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर का कलर चेंज दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है जो कि एक बेंजोइड फॉर्म है और एक कोएनोइड फॉर्म है। ये दो स्ट्रक्चर्स मूवेबल हैं और डिफरेंट पीएच पे इन स्ट्रक्चर्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। जो कोएनोइड फॉर्म है उसका कलर डार्क होता है जबकि बेंजोइड फॉर्म है उसका कलर लाइट होता है। जो जैसे पीएच सॉल्यूशन की चेंज करती है तो बेंजोइड फॉर्म और कोएनोइड फॉर्म में भी चेंज आता है जिसकी वजह से कलर चेंज होता है। अब इस डायग्राम में ये एक बेंजोइड फॉर्म बताई गई है जो कि कलरलेस होगी या लाइट कलर्ड होगी और एक कोएनोइड फॉर्म बताई गई है जिसका कलर डार्क होगा। तो रिएक्शन के दौरान एसिड बेस हाइड्रेशन के दौरान इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है जिसकी वजह से इनका सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा। कोएनोइड थ्योरी ऑफ फिनोल्फिथिलीन, एसिडिक मीडियम में फिनोल्फिथिलीन बेंजोइड फॉर्म में होता है जो कि कलरलेस है और जैसे बेस ऐड किया जाता है सॉल्यूशन अल्कलीन बन जाता है तो बेंजोइड फॉर्म कोएनोइड फॉर्म में चेंज हो जाती है जिस कोएनोइड फॉर्म की वजह से होगा जो कि रेड है। अब यहाँ पर ये बेंजोइड फॉर्म है फिनोल्फिथिलीन की जो कि कलरलेस है, जिसे बेस ऐड किया जाएगा तो कोएनोइड फॉर्म बेंजोइड फॉर्म कोएनोइड फॉर्म में चेंज हो जाएगी जो कि रेड है। तो बेसिक मीडियम में कोएनोइड फॉर्म डोमिनेट करेगी और उसका कलर रेड है। कोएनोइड थ्योरी ऑफ मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की भी दो टाटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं बेंजोइड एंड कोएनोइड फॉर्म। एसिडिक मीडियम में कोएनोइड फॉर्म डोमिनेट करती है जबकि बेसिक मीडियम में बेंजोइड फॉर्म डोमिनेट करती है। कोएनोइड फॉर्म रेड होती है जब बेंजोइड फॉर्म येलो होती है। अब ये अल्कलीन मीडियम में मिथाइल ऑरेंज की बेंजोइड फॉर्म डोमिनेट करेगी जिसकी वजह से अल्कलीन मीडियम में इसका कलर येलो होगा, जबकि एसिडिक मीडियम में कोएनोइड फॉर्म ऑफ मिथाइल ऑरेंज डोमिनेट करेगी तो बेसिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज का कलर रेड होगा।